और उत्तराखंड को कुदरत ने वो सब कुछ दिया है जिसके सही इस्तेमाल से ये प्रदेश देश के बाकी विकसित राज्यों की फहरिस्त में शुमार हो सकता है। इसके लिए पहाड़ी इलाकों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिनको सही तरीके से लागू करने पर इस सूबे को पलायन और बेरोजगारी से देश से छुटकारा मिल सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ से पलायन और बेरोजगारी से निपटने के लिए मत्स्य विभाग और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की खास पहल पर पौड़ी जिले के गढ़वाल के बागी गांव यानी ब्यास घाट में 3 दिवसीय एक एंगलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस आयोजन के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत आर्य ने विधिवत प्रतियोगिता की शुरुआत कराई। इस दौरान प्रतियोगिता में जनपद स्तरीय अधिकारियों, एंगलरों, स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों समेत 250 लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कि हम किस तरह से अपनी इस नयार नदी में जो महाशीर मछली होती है उसको पर्यटन की दृष्टि से और आय की दृष्टि से कैसे इसको लिंकअप करें और जो हमारे इसके आसपास के गांव और गांववासी इसके बगल में रहते हैं उनको रोजगार का साधन कैसे मिले, इस पर व्यापक चर्चा हुई है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं, एंगलर्सों द्वारा भी अपने रुझान साझा किए गए हैं, उस पर विभाग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस खास तरह की प्रतियोगिता में 32 एंगलरों ने हिस्सा लिया जिसमें स्थानीय लोग भी प्रतियोगिता में शामिल रहे। इस खास आयोजन का मकसद था कि पहाड़ से पलायन कैसे रोका जाए और रोजगार के साधनों को कैसे बढ़ाया जाए। दरअसल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ही मत्स्य क्रीड़ा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मत्स्य विभाग ने महाशीर कंजर्वेशन थीम पर आधारित टी शर्ट का अनावरण भी किया। एंगलिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल समेत दूसरे राज्यों से एंगलरों ने हिस्सा लिया। वहीं 3 दिवसीय एंगलिंग प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा और ज्यादा वजनी वाली मछली पकड़ने वाले एंगलरों को प्रथम पुरस्कार के तौर पर 25,000, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 15,000 और तृतीय पुरस्कार जीतने वाले एंगलर को 10,000 रुपए की नगद राशि से सम्मानित किया गया। जिले में ब्यास घाट में देवप्रयाग के समीप इसका कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं। ये राज्य स्तरीय एंगलिंग का प्रतियोगिता है जिसमें पूरे देश के लगभग 30 से 35 एंगलर्स इसमें जुड़े हैं और ये जो दिन जिन दो नदियों के बीच में संगम है जहाँ पे एंगलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ये नयार और गंगार नदी के बीच में बागी गांव के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि यहाँ जो महाशीर मछली